हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज हम बहुत ही रेयर सपने की बात करने वाले हैं, जो कि कभी कभार किसी को आता है, लेकिन जब भी आता है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं सपने में नरक देखने का क्या मतलब होता है। देखिए, हम सपने में ऐसे लोक में कभी कभी खुद को देखते हैं जहाँ पर कि हम सोचते नहीं हैं उसके बारे में कुछ, और हम वहाँ पर खुद को देखते हैं। तो कई कंडीशन में आप देख सकते हो, उसका अर्थ भी अलग अलग होता है। थोड़ा यहाँ पर मैं सपने को कवर करने की कोशिश करूँगी, तो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये सपना बिना वजह कभी नहीं आता है। यदि आप सपने में नर्क देख रहे हो, नर्क का मतलब होता है जहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, दुख से कराह रहे हैं, एक अजीब ही माहौल चारों तरफ का डरावना सा होता है, और आपका मन वहाँ पर कह रहा होता है कि भाई हम नर्क में हैं। तो वो होता है सपने में नर्क देखना। तो यदि आप देख रहे हैं कि आप नरक में हो सपने में, और आप डरे हुए हो, आसपास देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई आपसे गलती हुई है और उसकी सजा अब आपको मिलने वाली है। यानी कि भगवान के द्वारा ये संकेत आपको दिया गया है कि आपके ने जो भी बुरा कर्म किया है उसका फल अब आपको मिलेगा। भले ही वो छोटा हो, लेकिन जो भी कर्म का फल भगवान देंगे वो देने वाले हैं। तो यानी जो भी आगे आपके साथ घटित होगा, एक बुरी चीज, बुरी घटना, वो भगवान की मर्जी से होगी और वो आपके कर्मों का ही फल होगा। दूसरा है, यदि आप खुद को देख रहे हो कि आप नर्क की ओर बढ़ रहे हो, आप नर्क की तरफ जा रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यदि आप देख रहे हो कि आप नर्क की तरफ जा रहे हो, नर्क के द्वार पे जा रहे हो, या नर्क की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आप प्रेजेंट लाइफ में कोई ऐसी गलती कर रहे हो जो कि भगवान बिल्कुल भी क्षमा नहीं करने वाले हैं, और आप खुद ही अपने कदम बढ़ा रहे हो एक नरक की दुनिया की तरफ। यानी कि भगवान आपको उन कर्मों की सजा जरूर देंगे, वो फिलहाल आपसे कोई गलती होने वाली है। तो अगर आपको ये सपना आया है कि आप नरक की ओर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सपना आपको वही बताना चाहता है कि आपसे कोई बड़ी गलती हो रही है जिसका कि इन फ्यूचर आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं तीसरे सपने की बात, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आप नर्क में हो और वहाँ भी आप वहाँ का प्याला पी रहे हो या वहाँ खाना पीना कर रहे हो। मतलब कुछ भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो भी कर्म आप कर रहे हो वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई भूल से आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है, और आप जो भी जीवन में फैसले ले रहे हो वो जानबूझ के अपने कर्म खराब कर रहे हो। तो ये भी एक संकेत होता है भगवान का कि आप जो भी गलतियां कर रहे हो उनको वहीं पे रोक लेना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान माँ बाप की तरह ही, जैसे माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा खेले और अच्छे से रहे, खुश रहे, कामयाब हो, वैसे ही ईश्वर भी चाहते हैं कि जब कोई बंदा धरती पर आया है, मृत्यु लोक में आया है, तो अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए, बहुत अच्छे कर्म करे, और उसको उसकी सजा भगवान को ना देनी पड़े। लेकिन जब हम इंसान पृथ्वी पर आकर भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और अपने ही मोह माया में, अपने ही जाल में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्स हमसे कनेक्ट होकर कुछ संकेत देती है। तो अगर ऐसा सपना आपको आया है, ये निगेटिव सपना है, लेकिन आप इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि भगवान द्वारा आपको पहले ही संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप ये गलती करोगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, या आप गलती से पहले ही बच जाइए, उस गलती को ना करें। अब झट से अपनी गलती पर ध्यान दें कि आपसे क्या बुरा हो रहा है, और उस चीज़ को जब भी सुधार लें। तो आप ही बताइए, सपना निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मैं बात आपके ऊपर छोड़ती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, और बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय।